आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर वन का चैप्टर फोर। चैप्टर फोर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। चैप्टर फोर पूरा कंप्लीट हो गया था और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि उसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। प्रश्न एक बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे, समझ लिए थे और देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर दो। अब एक और बात ध्यान समझिए, आप इसको अगर अंत तक देखें ना तो आपको रट कर याद करने की कोई जरूरत नहीं, हम यहीं पर याद करवा देंगे, अभी आपको याद करवा देंगे हम। बस इसको आप अंत तक देखते रहिए और उसके बाद इसका नोट्स थोड़ा बहुत बनाते जाइए। एक रिवीजन कभी करने का मौका आए कि रिवीजन करें, समय मिलते कभी रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो हम अभी आपको याद करवा देंगे। देखिए ऐसे क्या होता है, आपको रट रट कर खूब याद करते हैं, फिर दो दिन बाद भूल जाएंगे, फिर और दो दिन बाद फिर रट कर याद कर, फिर दो दिन बाद भूल जाएंगे। अगर इसको पूरा देख लिया ना तो अभी याद हो जाएगा आपको, अभी पूरा सारा क्वेश्चन का आंसर इसका अभी याद हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूरा नंबर मिलता है, नहीं तो आधा लिखिएगा तो आधा नंबर मिलता है। तो इसलिए इसको ध्यान से आप देखते रहिए और ध्यान से समझते रहिए कि क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन है हड़प्पाई सभ्यता के सामाजिक राजनीतिक आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना करें। ये हमारा क्वेश्चन है, या आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पाई सभ्यता के सामाजिक राजनीतिक आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के पर प्रकाश डालें, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और हड़प्पाई सभ्यता के जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता भी हो सकता है या सिंधु सभ्यता भी हो सकता है, तो इतना बात को ध्यान रखिएगा। अब इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तीन चार तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालें, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाले, आर्थिक या राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाले, यानी चारों अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। ये जो चारों जीवन हम बताए हैं, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, तो चारों अलग अलग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको बस एक ही में सबका आंसर हो जाएगा, तो इसको बस समझते रहिए। तो देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं। पहले देखिए कोई भी मान लीजिए कोई भाषण देने जाता है तो पहले अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत बताता है कि हम ये हैं ऐसे ऐसे, तो थोड़ा सा इसका भी लिखने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। इससे शुरू में जब चेक करते हैं कॉपी ना, जो एग्जामिनर चेक करते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ इस बच्चा को इनके ये सभ्यता के बारे में या इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा जानकारी थोड़ा बढ़िया से है। और ये देखिए जैसे ये ट्रेलर होता है ना मूवी का जो टेलर होता है, तो शुरू में देखते हैं टेलर ना सब पूरा सब चीज लगता है कितना अच्छा टेलर है, ठीक वही इंट्रोडक्शन टेलर होता है। इससे दिखाया जाता है कि क्या क्या अंदर बताने वाले हैं। तो चलिए इसका देखते हैं क्या लिखा जाएगा। हड़प्पा सभ्यता विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के समय यह सभ्यता प्रकाश में आया। अब इतना लिख लिए, देखिए हड़प्पा सभ्यता विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के समय यह सभ्यता प्रकाश में आया। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई हुई तब यही सभ्यता प्रकाश में आया। हड़प्पा खुदाई हुई थी 1921 में यानी कि, और ये मोहनजोदड़ो 1922 में, उसके समय ये प्रकाश में आया। यहाँ के अब इसके बाद क्या लिखना है, यहाँ के उत्खनन से बहुत ही विचित्र प्रमाण मिले हैं, यानी कि बहुत ही विचित्र और अनोखा प्रमाण मिला हुआ है जिससे यहाँ के यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के, जिससे यहाँ के राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हो गया इतना, जिससे यहाँ के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। देखिए आपको शुरू से क्या निकला है इंट्रोडक्शन में, इसको बड़ाई करना है, इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छा अच्छा बोलना है। यह सभ्यता विश्व के प्राचीनतम सभ्यता में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई से यानी कि उत्खनन के समय यह सभ्यता क्या हुई, प्रकाश में आई। और उसके बाद यह सभ्यता प्रकाश में आई और उसके बाद यहाँ से जो सामग्री मिली है यह विचित्र सामग्री मिली हुई है और इससे ही यहाँ के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है। इतना लिख लिए, अब यहाँ पर मेन शुरू होता है यहाँ से। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर डालेंगे सामाजिक जीवन, अब यहाँ से मुख्य चालू होता है। अब लिखेंगे यहाँ के उत्खनन से इनके सामाजिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण
जानकारी मिलती है। अब एक और बात समझिए, आपको लिखना है पैराग्राफ में, कैसे लिखना है पैराग्राफ जो कि आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, हम आपको पॉइंट में बताएंगे ताकि आपको जल्दी आ जाए, ऐसे पॉइंट पॉइंट करके बताएंगे। लेकिन आपको जब आंसर लिखना है तब पैराग्राफ में लिखना है, यानी कि ऐसे 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 जैसे पैराग्राफ में लिख रहा है ना, आपको साइड में पैराग्राफ भी दिखाई दे रहा है, ऐसे लिखना है, तब आपको पॉइंट में बताएंगे। आप देखिए, सामाजिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसमें सबसे पहले इनका समाज जो था मात्र सत्तात्मक था, इनका समाज मातृ सत्तात्मक था, क्योंकि यहां से मात्र देवी की मूर्ति मिली हुई है, क्योंकि यहां से मात्र देवी की मूर्ति मिली हुई है, मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। और उसके बाद मिली है, यहाँ पर कोई वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिला। यहाँ से आपको आगे क्या लिखना है, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिला है। यानी आपको लिखना है कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिला हुआ, पूरा विश्वास करके कोई प्रमाण, लेकिन इनका समाज चार वर्गों में विभक्त था, जिसमें चार वर्गों में विभक्त था, लिख लीजिए। और उसके बाद लिखिए जिसमें व्यापारी नहीं, सबसे पहले पुरोहित आते हैं, पुरोहित, उसके बाद योद्धा, उसके बाद व्यापारी, और उसके बाद तथा श्रमिक आते हैं। और उसके बाद लेकिन यहाँ पर राजा का कोई प्रमाण नहीं मिला हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे, स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। अब उसके बाद क्या लिखना है, सूती एवं ऊनी वस्त्र दोनों पहनते थे। अब उसके बाद लिखना है मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे। और उसके बाद इनको क्या क्या जानकारी थी गणित के बारे में, धातु निर्माण गणित और माप तौल की भी जानकारी थी। अब माप तौल और धातु निर्माण की जानकारी थी, यानी कि अब उसके बाद लिखना है कि ये लोग तांबा और टीन को मिलाकर कांसा, जो कि एक मजबूत धातु बनाते थे। और उसके बाद गणित के भी इनके अच्छी जानकारी थी, और माप तौल की भी यहाँ पर जानकारी थी। अब उसके बाद इनके लिखेंगे राजनीतिक जीवन, यहाँ से मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे, मिटा देते हैं। अब यहाँ से इनका क्या लिखेंगे, राजनीतिक जीवन के बारे में लिखेंगे, कौन सा जीवन, राजनीतिक जीवन, इनके राजनीतिक जीवन के बारे में यहाँ से राजनीतिक जीवन आप लोगों को याद होगा ना, इनका राजनीतिक जीवन कैसा था, चलिए दूसरा नंबर यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद नीचे डालेंगे आप लोग और राजनीतिक जीवन लिखेंगे, राजनीतिक जीवन। अब राजनीतिक जीवन में देखिए, यहाँ पर कोई भी बड़ा राजा का प्रमाण नहीं मिला हुआ है, कोई भी शासक वर्ग का, यहाँ पर ऐसे लिखना शुरू से, इसके उत्खनन से, सब में यही लिखना है, इसके उत्खनन से कोई विशेष राजनीतिक प्रमाण नहीं मिला हुआ है, यहाँ पर ना कोई राजा का प्रमाण मिला हुआ है, यहाँ पर क्या लिखना है, ना कोई राजा का प्रमाण है और ना ही कोई हथियार का प्रमाण मिला हुआ है, ना युद्ध का प्रमाण मिला हुआ है, ये कोई भी प्रमाण नहीं मिला हुआ है। ये मुख्य रूप से व्यापारी थे और ये लोग शांति प्रिय लोग थे। यहाँ पर जो हथियार भी मिले हुए हैं वो हथियार युद्ध लड़ने वाले हथियारों से अलग है, वो युद्ध लड़ने वाला हथियार नहीं है, इसीलिए यहाँ का जो राजनीतिक जीवन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
बस इतना में खत्म हो गया राजनीतिक जीवन, ज्यादा में नहीं है राजनीतिक जीवन। तीसरा, अब इनके बारे में आर्थिक जीवन थोड़ा देख लेते हैं। आर्थिक जीवन, अब आर्थिक जीवन में क्या देखेंगे, यहाँ के उत्खनन से इनके आर्थिक जीवन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यहाँ के उत्खनन से इनके आर्थिक जीवन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और इनका आर्थिक जीवन काफी उन्नत था, ये लोग व्यापारी थे, व्यापार पर ही इनका पूरी अर्थव्यवस्था इनके व्यापार पर ही निर्भर करता था, ये लोग मुख्य रूप से क्या थे, व्यापारी थे। और उसके बाद ये लोग कृषि भी करते थे, लेकिन जो लोग नगरों में रहते थे वो व्यापारी थे, और जो लोग गांवों में रहते थे नगरों से हटकर वो कृषि करते थे। इतना लिख लिए, उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखना है, फिर व्यापार लिखना है, व्यापार। अब यहाँ पर लिखना है इनका इनके जो नगरों में लोग रहते थे वो व्यापार करते थे। यहाँ पर लिखना है, जो नगरों में लोग रहते थे वो क्या करते थे, मुख्य रूप से वो व्यापार करते थे, उनका जीवन व्यापार पर ही निर्भर था, और व्यापार विदेशों से भी होता था। कहाँ से, ये सब लिखते जाना जितना हम बोल रहे, विदेशों से भी होता था, यानी कि व्यापार विदेश, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन था, सुमेर फारस यानी कि ईरान अभी है, मिस्र आदि देश थे। ये सारे जगहों से व्यापार करते थे ये लोग। और उसके बाद यहाँ पर बंदरगाह का भी प्रमाण मिला हुआ है, बंदरगाह का प्रमाण मिला है जिसमें लिख लीजिए, उसमें जिसमें लोथल चनहुदड़ो, उसके बाद रंगपुर, उसके बाद सुरकोटदा, ये तीन जो थे वो बंदरगाह का प्रमाण मिला, यानी कि यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर जिसमें लोथल, उसके बाद रंगपुर और सुरकोटदा से बंदरगाह का प्रमाण मिला हुआ है, जहां से विदेशों में भी क्या होता था, व्यापार होता था। उसके बाद लिखना है कि यहाँ से मुख्य रूप से किस चीज का व्यापार होता था, कि यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर मुख्य रूप से कपड़ा, मुहर, मृदभांड, लकड़ी आदि का व्यापार होता था, इसीलिए इनका जीवन उन्नत था, होता था। अब यहाँ पर कृषि में लिखना है, इनकी जो लोग गांवों में रहते थे वो कृषि करते थे, जो कि नगरों से काफी दूर था। इसमें क्या लिखना है, कृषि में लिखकर, जो लोग गांवों में रहते थे वो कृषि करते थे, जो कि नगर से काफी दूर था। ये लोग कृषि करने वाले लोग का मकान जो था वो मिट्टी का बना हुआ था, और बांस बलियों के सहारे ये लोग खड़े किए थे, और ये लोग नदियों के किनारे रहते थे, जिससे परिवहन काफी आसान हो जाता था। नगर की जरूरत गांव पूरा कर देते थे, और गांव की जरूरत नगर पूरा कर देते थे। यही बस गांव में लिख दिया देना है कि नगर की जरूरत जो है वो गांव पूरा कर देते थे, और गांव की जरूरत नगर पूरा कर देते थे। यहाँ मुख्य रूप से किसान थे, जो अन्न उपजाते थे। हो गया, जो कि क्या उपजाते थे, अन्न उपजाते थे। उसके बाद ये कृषि हो गया, ये आर्थिक जीवन हो गया, इनका थोड़ा धार्मिक जीवन भी देख लेते हैं। धार्मिक जीवन यहाँ पर लिख देते हैं। अब धार्मिक जीवन में समझिए, यहाँ पर कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान का प्रमाण नहीं मिला हुआ है, कोई बड़ा धार्मिक स्थल का प्रमाण नहीं मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है, जिससे यह पता चलता है कि इनका समाज जो था मातृ सत्तात्मक था, और पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली हुई है यहाँ पर, और और ये लोग मुख्य रूप से पेड़, मनुष्य और जानवरों की पूजा करते थे। मुख्य रूप से किस किस चीज की पूजा करते थे, ये पेड़, मनुष्य और जानवरों की पूजा करते थे। और उसके बाद यहाँ पर एक मोहन जोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार का प्रमाण मिला हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि वहां पर कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होता होगा, तो वहां पर लोग स्नान करते होंगे। और स्नानागार का चित्र भी बना देना, ध्यान रखिएगा, स्नानागार का ऐसे चित्र भी क्या करना है, बना देना। देखिए ऐसा स्नानागार नहीं, ऐसा स्नानागार का इस प्रश्न में चित्र भी बना देना है। यहाँ से पानी निकलने वाला था, इधर भी ये सब समझाए भी थे, इधर चारों तरफ एक क्या था, घर भी था, छोटा छोटा क्या था, घर बनाया गया, घर भी बना देना है।
ये सब हो गया। अब धार्मिक जीवन भी लिख लिए इनका, अब धार्मिक जीवन लिखना। हाँ, इन लोगों को पुनर्जन्म में भी भरोसा था, इतना लिख लेना। अब नीचे लिखना है, नीचे, अब नीचे सबका एक, नीचे सबका जो जितना भी लिखे उसका हल्का सा सारांश लिखना पड़ता है, यानी कि निष्कर्ष लिखना पड़ता है अंतिम में। तो निष्कर्ष में क्या लिखना है कि इन लोगों का जीवन बहुत ही उन्नत था। इन लोगों का जीवन उन्नत होने का सबसे बड़ा कारण था कि इनका आर्थिक जीवन बहुत ही उन्नत था, और ये लोग व्यापारी थे और काफी धनी लोग थे, इसीलिए इनका जो आर्थिक जीवन था काफी उन्नत था, और सामाजिक जीवन भी बहुत ही उन्नत था, क्योंकि ये लोग व्यापारी थे और ये लोग धनी। और यहाँ पर कोई राजनीतिक जीवन का प्रमाण नहीं मिला हुआ, मतलब जो भी उसमें लिखा है ना, थोड़ा सारांश में नीचे क्या करना है लिखे, कोई भी प्रमाण नहीं मिला हुआ है। तो इतना हो गया, ये क्वेश्चन खत्म। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी इसमें डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।